ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕ ਪਾਰਟ 13 ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ 13 ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਇ ਉਸਕਾ 4 ਔਰ 5 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਇ 4 ਔਰ 5 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਔਰ ਸੇ ਆਸਿਆ ਕੀ 7 ਕਲੀਸਿਯਾਓਂ ਕੇ ਨਾਮ ਉਸਕੀ ਔਰ ਸੇ जो है और जो था और जो आने वाला है और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पिछले क्लास में 4 आयत के ऊपर लगातार हम सीखते रहा। आज हम कदम रखेंगे 5वां आयत में और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पगलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पार्ट 12 में पिछले क्लास में यीशु मसीह कौन है समस्या के बीच से चलने वाले एक विश्वासी के लिए यीशु मसीह कौन है उसमें 3 बात का बारे में पिछले क्लास में मैंने पढ़ा। एक विश्वास योग्य साक्षी, दूसरा मरे हुओं में से जी उठने वालों में पगलौटा, तीसरा पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। यीशु मसीह के 3 पोजीशन हमने पिछले क्लास में सुना है। उसके बाद आखिरी लाइन 5वां आयत का आखिरी छोटा सा लाइन तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। एक ब्लेसिंग प्रेयर के साथ शुरू कर रहा। आपको मालूम है अनुग्रह और शांति साधारण हम बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन उसमें से हम थोड़ा सा गहराई से आज सीखेंगे। पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा कलीसिया को बोल रहा है आपका अनुग्रह और शांति मिले। आपको मालूम होगा जब हम कोई भी बंदगी हो बंदगी करने के बाद आखिरी कलमा पढ़ते हैं, आखिरी कलमा पढ़ते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति। यही बोलकर हम हर मीटिंग क्लोज करते हैं। यहां पर वही आयत शुरुआत में बोल यीशु मसीह क्या तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। अनुग्रह के लिए ग्रेस, इंग्लिश में ग्रेस बोलते हैं, इब्रानी भाषा में हैं कहते हैं, ग्रीक भाषा में खारिस बोलते हैं, इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं ग्रेस बोलते हैं अनुग्रह के लिए, हिंदी में अनुग्रह बोलते हैं। अनुग्रह का मतलब है मैं मुझे कोई हक नहीं है मिलने का लेकिन एक ऐसे जगह से मुझे कभी उम्मीद भी नहीं है, मेरे जरूरत के समय पर कोई गिफ्ट मिल रहा है उसका बोलते हैं ग्रेस। दोबारा मैं बोलूंगा मुझे कोई जरूरत है, बहुत जरूरत है,
पता नहीं कहां से मिलेगा, कौन देगा। तो ऐसे एक जगह जहां से बिल्कुल उम्मीद ही नहीं, ऐसे समय जो कभी सोचा भी नहीं, उस जगह से उस समय से मेरे जरूरत के अनुसार मुझे एक गिफ्ट मिलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेस। नया नियम में ये जो शब्द है 122 बार लिखा है, 122 बार। पुराना नियम में ये जो शब्द है 42 42 बार लिखा है, अनुग्रह अनुग्रह। इब्रानी भाषा से ज्यादा गहराई है ग्रीक भाषा। इब्रानी भाषा में है उसका मतलब किसी के ऊपर दया करना। ये ही प्रार्थना के साथ प्रकाशित वाक्य शुरू कर रहा है। दोबारा मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यहां पर जो अनुग्रह बोला है उसका सही अर्थ है ये, मेरा और आपका योग्यता काउंट नहीं किया, देखा नहीं, हमारा समय समय पर हमारे जरूरत के अनुसार परमेश्वर से हमको मिलने वाला मदद सखाए, उसको बोलते हैं अनुग्रह। यस, ही गिव्स अस ग्रेस एंड पीस। परमेश्वर हमको क्या देते हैं? अनुग्रह और शांति देते हैं हर समय। जैसे मैं शुरुआत में बोला, ये जो शब्द हम बहुत सुनते हैं, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस ही, उसका खासियत हम नहीं बता। पूरा बाइबल में ये शब्द का अर्थ बताया हुआ है। आपको क्या जरूरत है? पाप का क्षमा। अगर आपको पाप का क्षमा है, परमेश्वर ने हमारा पाप का क्षमा देते हैं, दे सकता है। हम उस क्षमा का हकदार नहीं, पाप का क्षमा का हमारा कोई हकदार नहीं, लेकिन परमेश्वर हमको देते हैं। एक बात, रोमियो का पत्री 5वां अध्याय 19 लेके 21 तक आए तुम्हें इसका बारे में हम पढ़ सकता है। ये जो अनुग्रह है हम कोई वापस देने के बाद नहीं मिलते, कर्म करके या पुण्य काम करके हमको मिलने वाला कोई भी चीज को हम अनुग्रह नहीं बोल सकते। ये ही हमारा और दूसरी मजहब का फर्क है। आपको मालूम है मुस्लिम कौम पूरा दुनिया में क्रिश्चियन के बाद दूसरी कौम है इस्लाम, मुस्लिम। लेकिन उस मजहब में ये चीज नहीं है, अनुग्रह नहीं है। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी गुनाह किया तो उसका क्या करे, कत्ल करे, फिनिश। चोरी करेगा तो हाथ काटेगा, व्यभिचार करेगा तो सिर काटेगा, फिनिश। दोबारा मैं बोलना चाहते हैं, बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण दो शब्द है, दो शब्द, एक व्यवस्था, दूसरा अनुग्रह। व्यवस्था किसके द्वारा मिला? मूसा के द्वारा, करेक्ट। लेकिन अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा मिला है। पुराना नियम पूरा मूसा का व्यवस्था के ऊपर है, लेकिन नया नियम यीशु मसीह का अनुग्रह के ऊपर बेस है। ये दोनों दो युग
साथ मिला हुआ दो चीज है, व्यवस्था और अनुग्रह। यूहन्ना के इंजील पहले अध्याय जब 17 आयत जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में लिखा है, व्यवस्था मूसा के द्वारा मिलते हैं, अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस का पत्री जब हम पढ़ते हैं, जब प्रेरित पौलुस का पत्री हम पढ़ते हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह हमको मिलते हैं, उस अनुग्रह को एक सामर्थिक रूप में बताते हैं। सिर्फ एक अनुग्रह नहीं है, प्रेरित पौलुस अनुग्रह के बारे में कहीं भी लिखा हो अगर उसको स्टडी करेगा तो मालूम है सिर्फ एक अनुग्रह अनुग्रह नहीं है, उस अनुग्रह के अंदर परमेश्वर का शक्ति है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए उस सामर्थ्य के द्वारा पौलुस और यीशु मसीह के चेला पूरा दुनिया में सुसमाचार प्रचार किए, उस सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह का चेला बनने का अनुग्रह मिला। इसलिए बहुत लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए वजह बना है। ध्यान से सुनिए, पूरे दुनिया में सुसमाचार प्रचार करना आसान बात नहीं है, यीशु मसीह का चेला बनना आसान बात नहीं है। पूरे जगत में लोग यीशु मसीह के पीछे आना आसान बात नहीं है। ये तीनों के बीच कोई शक्ति काम कर रहा है, उस शक्ति के नाम है अनुग्रह। लेकिन हमने इस बात को समझना, अनुग्रह का बेस आधार, अनुग्रह के आधार यीशु मसीह ही है सिर्फ। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा हमको अनुग्रह मिलता है। दोबारा मैं बोलना चाहते हैं, हम पापी इंसान है, हमारे खून के अंदर पाप है, हमारे भावना में सोच विचार में गुनाह है, पाप है। पापी परमेश्वर को नहीं पा सकता, पापी को क्षमा चाहिए तब परमेश्वर को मिल सकता है, और सिर्फ 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 अनुग्रह के द्वारा ही मिलेगा। हमारा गुनाह का बदले जितना मर्जी आप भेंट चढ़ावो, उसके लिए कोई काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बोले यही चीज है, दूसरा मजहब और यीशु मसीह के अनुग्रह में यही फर्क है। दूसरी हर मजहब क्या करते हो, कर्म करो अनुग्रह पाओ, कर्म करो मुक्ति पाओ, है ना। मक्का में जाओ, पहाड़ में जाओ, है ना, ये करो वो करो, नंगा पैर चलो, चावल दे दो, ये दे दो वो दे दो, कर्म 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 करके परमेश्वर को खुश करो, खुश करो, फिर परमेश्वर हमको अनुग्रह देंगे। लेकिन क्रिश्चियनिटी का बिल्कुल ऑपोजिट है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमारा कोई भी चीज परमेश्वर को जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास करना है। सिर्फ विश्वास करने से हमको परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है, इसलिए उस अनुग्रह के ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में बोल रहा है, अनुग्रह के ऊपर विश्वास करना, उस अनुग्रह के ऊपर आश्रय करना है। बाइबल में बहुत एग्जाम्पल है उसके लिए, बहुत एग्जाम्पल है, प्रचार नहीं है अभी बाइबल क्लास है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट लेके विस्तार करने के लिए नहीं चाहता। एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, एक शमरी अमृत यीशु मसीह का मालूम था वो बहुत बड़ा गुनाहगार है, लेकिन फिर भी
यीशु मसीह उनको मिलने के लिए गया है। वो हैरान हो गया, मैं क्या पापी है, मैं कमी जाति क्या है, आप एक यहूदी है, मेरे पास कैसे आया? आ नहीं सकता क्योंकि पीढ़ी पीढ़ी से हमारा दोनों कौम आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई देना लेना नहीं, कोई आना जाना नहीं। हक नहीं था, हक नहीं था, लेकिन वहां यीशु मसीह उसको मिलने के लिए गया। उसको बोलते हैं बाई ग्रेस अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह की वजह से शमरिया औरत को मिलने के लिए यीशु मसीह गया, लेकिन उसको अनुग्रह मिला कब? यीशु मसीह तो अनुग्रह के साथ उनके पास गया, लेकिन मिला नहीं। मिला कब? स्टेप बाय स्टेप। यीशु मसीह के बाद सुना, कबूल किया, विश्वास के आगे उन्होंने बोला, प्रभु जी मुझे और जल दो, कभी भी मुझे भूख ना लगे। एक नीडी, एक जरूरत वाला मन यीशु मसीह ने जब देखा तब उसको हासिल किया। जब उसको मिल गया, फटाफट दौड़कर अपने गांव में जाकर जो कुछ उसको मिला है वो दूसरों को बांटा है। इसको बोलते हैं अनुग्रह। मैं दोबारा बोलना चाहते हैं, शायद हमारे अंदर कुछ ऐसा गलती गिल्टी फीलिंग होगा, मैं किसी को बोल नहीं सकता, अगर किसी को पता चले वो माफ नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा है चुपचाप रह लो। मुझे कभी माफी नहीं मिलेगा, मैं इतना बड़ा अपराध किया, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह की वजह से आपको कहीं ना कहीं मौका देंगे, कहीं ना कहीं मौका देंगे, शायद आप सुनेंगे, शायद आप अपना कमरा में बैठेंगे या खुद भक्त आत्मा आपको बताएंगे, मैं पापी है, मेरा पाप माफ करने का माफी मिलने का लायक ही नहीं है। लेकिन वहां आप घुटना लेके आपका आंखों से आंसू बहाया, हो गया काम, आपको माफी मिल गया, आप ऊपर अनुग्रह का बारिश हुआ है। ये यीशु मसीह के अनुग्रह का विशेषता, आपका खूबी नहीं देखते, आपका मजम नहीं देखते, आपका रंग नहीं देखते, आपका बैकग्राउंड नहीं देखते। अनुग्रह का अर्थ है ये खारिज, जहां हक नहीं है, जहां से उम्मीद नहीं है, वहां मिलने वाला परमेश्वर का मदद, उसको बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। मैं बोल सकता है आज अगर यहां पर खड़ा है सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह का द्वारा, आप बोल सकता है, अगर आप आज चर्च में बैठा है प्रभु तेरा अनुग्रह की वजह से, हाथ उठाकर हम उसको धन्यवाद करें, हम उसको तुच्छ ना समझिए, हम इस चीज को हल्का में ना लीजिए। हमारे माँ बाप, हमारे पति पत्नी, हमारा बच्चा, हमारे परिवार से बढ़कर हमारा सारे स्टोरी ईश्वर सी को पता है, उसके बाद भी वो हमारे ऊपर दया किया है। क्या लिखा है उस आयत में? तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। बोलिए, मिलकर बोलिए, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। चलो, आप प्रभु में आ गया, आपका पाप माफी हो गया, उसके बाद तौबा किया, बपतिस्मा लिया, आराधना में आ रहा है, लेकिन आपके अंदर कुछ वीक पॉइंट है, कुछ गलती है, कमी है, कट्ठी है, आप उसके ऊपर जय नहीं पा रहे,
कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पगले मैंने बोला जो लोग कभी भी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना उनके बारे में बोला। अभी मैं बोलता विश्वासी होने के बाद हमारे जीवन में कुछ ऐसे गलती है, कुछ ऐसे कमी करती है, मेरे से ठीक ही नहीं कर पा रहे। हमारे भाषा में बोले तो मैं सही मेरे से जी नहीं सकता, ये चीज मेरे से छोड़ नहीं सकता। एक बार मुझे हमारे एक बेटी ने बोला पापा मुझे जो मर्जी हो मैं टीवी के बिना रह नहीं सकता, जितना मर्जी मुझे समझा दो जो मर्जी करो मैं टीवी के बिना मतलब सिनेमा के बिना पिक्चर के बिना मैं रह नहीं सकता, कसम का के बोले। मैं उस ऐसे बात सुनकर हंसते पाने उसका जवाब है ये हाँ बिल्कुल आप नहीं छोड़ सकता, लेकिन एक दिन आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा अब अपने आप को छोड़ेगा। आज वो बच्चा इतना टीवी को नफरत करता पूछो ना अनुग्रह बोलो अनुग्रह। आपका सीक्रेट लाइफ में आपका फैमिली लाइफ में अगर ऐसे कोई बात है मैं जोड़ना चाहता लेकिन मेरे से जोड़ नहीं पा रहा है, मैं करना नहीं चाहता लेकिन कर पा रहा है, बाइबल में लिखा है उसके बारे में। आपने क्या करना प्रभु मेरे से मुश्किल है, मेरे से मुश्किल है, मुझे क्या चाहिए तो सब बोलो डेली या फैमिली प्रेयर में डेली आपका पर्सनल प्रेयर में जिस चीज के लिए आप परेशान हो आप उसके लिए वो दूर करने के लिए नहीं प्रार्थना करो प्रभु मुझे अनुग्रह दे दो वो अपने आप को हट जाएगा। एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करो पति पत्नी के लिए पत्नी पति के लिए बच्चे के लिए अगर हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ हालत है हम प्रार्थना करें प्रभु मेरा बच्चा बुराई से भरा हुआ दुनिया में रहते हैं मैं दुआ करते प्रभु तेरा अनुग्रह उसके ऊपर भर दे ताकि वो बुरा चल चल से क्या करे अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए इम्पॉसिबल होगा आपके लिए असंभव होगा परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। उसके बारे में प्रार्थना कर हम क्या प्रार्थना करते हैं अंडा दे दो मीट दे दो मच्छी दे दो आलू दे दो गोभी दे दो कपड़ा दे दो यही मैंने प्रार्थना लेकिन प्रार्थना सच मुझ हो ये प्रभु मुझे तेरा निग्रह की जरूरत है प्रभु तेरा निग्रह की जरूरत है। क्या लिखा है सबसे पहले धार्मिकता और राज्य का खोज करो उसके साथ सब कुछ आपको मिलेगा। आप ये स्पिरिचुअल आत्मिक बात के लिए प्रार्थना करो बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। जब हमारे पिता को मालूम है मेरा बच्चा मेरे पीछे सही तरीका से चलना आता है मैं नहीं मदद करेगा तो कौन मदद करेगा उसको, उसके साथ सब कुछ आएगा। इसलिए हमारा प्रार्थना बदलना है पहले तो सुरनी 5:23-28 तक आयत इस विषय में आप घर में जाकर पढ़ सकता है और ध्यान कर सकता है। तीसरी बात है आपके अंदर इतना सताव आ रहा है तो कि आप विश्वास में स्थिर नहीं रह सकते है ना। विश्वास में आने के बाद इतना प्रोसिक्यूशन सत्ता विरोध आपको ऊपर आ रहा है आपको खड़ा नहीं हो सकता। आपके मन में कितने लोग विरोध का वजह से ईश्वर मसीह को छोड़कर चले गए मुझे याद आ रहा है बहरन में एक इंजीनियर ब्रदर था ईश्वर मसीह को कबूल किया ईश्वर मसीह को कबूल किया
इतना अच्छा सेवक, इतना जोश, हैरान हो गए। एक पास्टर का समान प्रभु का सेवा करते हैं। प्रभु में आने के बाद पहली बार वो अपना घर गया केरला, और आवाज जब केरला गया क्या किया है, उनका पेटी के अंदर उसका ब्रीफकेस के ऊपर एक बाइबल रखा, बुरा तो नहीं किया। छुट्टी पर गया था, उनका सारे सामान पाकर ऊपर एक बाइबल रखा। केरला घर में जाते जाते पेटी खोला, मम्मी, उनका मम्मी आकर बोला ये की है बेटा, मम्मी ये बाइबल है। बस मम्मी खाना छोड़ दिया, बुखार हो गया, मेरा बेटा क्रिश्चियन बन गया। मैंने नहीं जीना, मैंने जीना। डिप्रेशन में हो गया, बोलना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, सोना बंद कर दिया। उस लड़का क्या हो गया, फासला किया, मुझे बाइबल से ज्यादा मेरे मां का जरूरत है। ठीक है मम्मी, बाइबल हटा दिया। फिर कभी वो प्रयास नहीं किया। घर में वापस आकर पूरा चर्च उनको पीछे पड़ा, क्या हो गया आपको, आप इतना जोश वाला था, इतना था, क्या हुआ आपको। बोलते नहीं, मैं बात करना नहीं चाहते, मेरे मां को छोड़कर और कुछ नहीं। आप बताइए क्या हुआ, क्यों ऐसे हुआ, इतना बड़ा जोश वाला एक नौजवान अपना मां के लिए बाइबल को छोड़ा, यीशु मसीह को छोड़ा, क्यों। उन्होंने उस सिचुएशन में परमेश्वर का अनुग्रह के लिए प्रार्थना नहीं किया, वो अनुग्रह नहीं मांगा। 100% गारंटी है, हां एक बेटा के लिए अपना मां बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो प्रार्थना करे प्रभु मैं क्रिटिकल सिचुएशन में मैं मां को भी नहीं छोड़ सकता, बाप को भी छोड़ सकता, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर भर दो, इस सिचुएशन में मैं खड़ा हो जाए, तब बिल्कुल बिगड़ने नहीं देना था। इसलिए आपका ज्ञान के ऊपर आप भरोसा नहीं करना, आपका ताकत के ऊपर आप भरोसा नहीं करना। जिंदगी में बहुत बड़े ऊंचाई चढ़ाई आते हैं, उस समय में आप परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर भरोसा करेगा तो परमेश्वर आपको जयवंत की ओर से ले जाएगा। आपको पता, मुझे पता, एक आत्मिक जीवन, एक विश्वासी की जिंदगी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, एक लड़ाई, एक जंग है। आपका पैसा से, आपका बैंक सपोर्ट से आपको जयवंत नहीं कर सकता। आपको क्या चाहिए, जोर से बोलिए क्या चाहिए, आपको जोर से बोलिए क्या चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। अगर आप ज्यादा गुस्सा करने वाला है, प्रभु मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, मैंने गुस्सा के ऊपर मुझे क्या दे दो, हालेलुया। प्रभु कुछ भी हो, मुंह खोलेगा तो मेरे मुंह में गाली आता है, प्रभु थोड़ा किया भक्त सुन के गाली तो नहीं बोलते, क्या करना चाहिए प्रभु, हालेलुया। लिमिट से ज्यादा आप खाना खाते हो, पेट भर के फिर भी खा रहे, तो प्रभु मुझे क्या दे दो। आपके अंदर प्यार है बच्चों के लिए, लेकिन आप दूसरों को प्यार कर नहीं पा रहे, ऐसे ना बोलते हो। कितना लोगों के अंदर, कितना लोगों के अंदर प्यार है लेकिन प्रकट करने नहीं आता है। पति को भी, पत्नी को भी, बच्चों को भी प्यार अंदर तो है, लेकिन जैसे वो प्रकट हो रहा है कर नहीं पा रहा है, क्या करो। अनुग्रह के लिए प्रार्थना, जरूर आपका स्थिति बदलेगा, जरूर आपका स्थिति बदलेगा। जब ऐसे स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में बुड़बुड़ापन करते हैं, वो हमारा स्वभाव है। जब हम बुड़बुड़ापन करते हैं, प्रॉब्लम का
सोल्यूशन नहीं है। एक दूसरों का गलती बिगाड़ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। इसलिए हर सिचुएशन में, हर समय में परमेश्वर का अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का सम्मुख में जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? तुम्हें अनुग्रह होगा शांति मिले। मिलकर बोलिए, तुम्हें अनुग्रह होगा शांति मिले। मैं दोबारा बोलना चाहते हैं, अनुग्रह का क्या मतलब है? खारिस ग्रीक वर्ड है, उसके अर्थ आपको हक नहीं है, पता नहीं है कौन मुझे मदद करेगा, पता नहीं है कहां से मदद मिलेगा, लेकिन वहां आपको मदद करने वाला एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर के पास आपके लिए अनुग्रह है। दूसरा कोरिन्थी 12:7-10 तक ये आयत में इसके बारे में हम बोल सकता है। आपको कोई चीज बदल नहीं सकता, लेकिन अनुग्रह जब आपको ऊपर आएगा स्थिति बदल जाता। क्यों? अभी मैं बोलकर आता क्यों? क्योंकि पौलुस बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह को ऊपर सामर्थ्य है। परमेश्वर के अनुग्रह सिर्फ एक शब्द नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ एक आयत नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह सचमुच एक शक्ति है, एक पावर है, एक सामर्थ्य है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह अगर हमारे जीवन में है, परमेश्वर का अनुग्रह अगर हमारे जीवन में है, असंभव को संभव बन सकता है। अभी आप देखिए काफी आए थे, सक्रिय 4:7, लूका का इंजिल पगली अध्याय 37-34-30, पहली अध्याय 37-34-30 आयत, सक्रिय विचार का 7 में भी ये लिखा है अनुग्रह। मैं आपको याद दिलाऊंगा, ईसा मसीह का मां मरियम, उनका शादी नहीं हुआ कभी भी, वो एक पुरुष के पास गया नहीं। जब तक एक पुरुष को नहीं जानते हैं कैसे बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। परमेश्वर ने कुदरती ऐसा सिस्टम बना कर रखा है, लेकिन आपको मालूम है क्या बोला स्वर्गदूत ने आकर उसको बोला? आपको अनुग्रह मिला है। समझ में क्या बोला? मरियम आपका शादी नहीं हुआ, यूसुफ के साथ अब रहा नहीं है, एक पुरुष को वो बोलता नहीं, पुरुष को कभी जानता नहीं है, तो फिर कैसे में गर्भवती हो जाएगा? तब स्वर्गदूत ने जवाब दिया, आपका ऊपर क्या आया है? क्या समझा आपने? क्या समझा? अगर आपको एक बच्चा पैदा करने के लिए मेडिकली आप अनफिट होगा, आपका शरीर एक बच्चा को पैदा नहीं कर सकता होगा, ऐसे प्रॉब्लम होगा आपका शरीर में, कभी आप एक मां नहीं बन सकता। लेकिन बाइबल कहते हैं डॉक्टर जो मर्जी बोले उस सिचुएशन में अगर आपको ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा तो वहां एक मौजा हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा। हालेलुया, बोलो होगा। मैं सिर्फ बच्चे के बारे में नहीं बोला, जो चीज हमको बढ़ा लेते हैं। मेरे जीवन में बहुत तेरे बातें ऐसे, जो चीज कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी हो नहीं सकता। कितना लोग मुझे प्रार्थना करने के लिए बोलते, पास्टर जी इस बात के लिए प्रार्थना करना, इस दुआ के लिए प्रार्थना करना, रो रो के फोन करते, बड़े मुश्किल है। एक ही जवाब
परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। इसलिए आपका दिमाग के अंदर इम्पॉसिबल, असंभव 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 जो जो टेक किया हुआ है उसके ऊपर आज सुबह बंद हो, पॉसिबल पॉसिबल संभव संभव बोलो संभव संभव मुखर कर बोलो संभव संभव क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। मसीही जीवन सिर्फ प्रचार नहीं, मसीही जीवन सिर्फ सुनना नहीं, मसीही जीवन अनुभव है। शायद मैंने आपको बोला होगा, शायद काफी साल पहले मेरे दोनों पैर में दर्द शुरू हुए, काफी डॉक्टर से इलाज किया, फर्क ही नहीं। लुधियाना सीएमसी में गया, सीएमसी के डॉक्टर ने बोला आपका दोनों पैर में कैंसर है, बोन कैंसर है। आपको मन में अगर सुने बोन कैंसर है, मैं डर गया, मैं बहुत रोया। तो बोलते दो ऑप्शन है, पहले हम कोशिश करेंगे आपका ऊपर से हड्डी लेके वहां काट कर रखेंगे, शायद ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर पैर काटना पड़ेगा। काफी दर्द था, मैं मुंह खोलकर परमेश्वर को ऐसे बोला, प्रभु भूखा प्यास पंजाब में आकर सेवा किया, आपने मुझे यही गिफ्ट दिया, बुढ़ापे किया। तो डॉक्टर ने बोला आपका मर्जी, आप चॉइस कर सकता है। मैंने बोला मुझे कुछ टाइम चाहिए, हम टूट गए उस समय, इतना सेवा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा एक चर्च है सिटी में। मैं और मेरा वाइफ आकर कुछ दिन फास्टिंग प्रेयर किया, रोजा प्रार्थना किया, जितना हमारे रिश्तेदार बाहर था सबको मैसेज भेजे, सभी लोग डर गया कैंसर पैर काटना पड़ेगा। दोबारा फिर सीएमसी में बोलते आपका बढ़ रहा है तो काटना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए आगे बढ़ेगा फिर आपको जान के लिए खतरा है, अभी तो पैर काटेगा तो ठीक हो सकता, तो आपको मारे में माहौल देख लो। इतने आज तो इतना लोग तो है, उस समय इतना भी लोग नहीं है, किसको बोल मन को मजबूत किया, चलो जो होना होने दो काट ले, दर्द बहुत है। मैं और मेरा वाइफ सीएमसी में गया, एडमिट हो गया, कल ऑपरेशन है, आज टेस्ट टुस्ट सारे किया और उसके बाद कल ऑपरेशन शाम को चार पांच डॉक्टर्स मेरे पास आकर हंसकर बोला सैम ऑपरेशन कैंसिल कर दिया मैंने। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्यों? तो आपको मालूम है सीएमसी में कुछ डॉक्टर से विश्वासी लोग, वो भी मेरे लिए प्रार्थना करते थे, उन्होंने मुझे एक्सरे दिखा, देखो 15 दिन पहले आपका एक्सरे में आपका हड्डी खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, जैसे कीड़ा का रहना है खत्म हो रहा है, लेकिन कल जो एक्सरे लिया है कवर हो गया, हम तो हारे मैंने, ये कैसे कवर हो गया? उसको बोलते हैं अनुग्रह, मिलकर बोलिए अनुग्रह, मिलकर बोलिए अनुग्रह। आपको पता इसी तरह कोई बीमारी था पौलुस को, लिखा है प्रेरित पौलुस, पौलुस का कुछ बीमारी के लिए बहुत प्रार्थना किया, साफ लिखा है लेकिन ठीक नहीं हुआ, जवाब नहीं मिला। पौलुस का बीमारी क्या था उसके बारे में बाइबल में साफ नहीं लिखा, अलग अलग विचारधारा है, अभी आपको मैं कंफ्यूजन में डालना नहीं चाहता। कोई भी हो ऐसा बीमारी था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्योंकि पौलुस के पास पैसा का कमी तो है नहीं, ज्ञान का कमी तो है नहीं। आखिर पौलुस परमेश्वर को बोला इतना देर हो गया, मैं शरीर में क्लेश है। आपको पता यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, जोर से बोलो ना, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू,
मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए। पौलुस, आपका बीमारी चाहे कितना खतरनाक हो, कितना खतरनाक हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह। आप लोग आज इधर बैठा है, आप आराम से आने वाला था इधर ही। मुझे याद है आशु एक बार मुझे लम्बा पुट कमरा में बुलाया, आंख वाले लाल करके, मुझे लगता था आशु मुझे मारेगा। आज आशु बाइबल लेके प्रभु का घर में बैठे है, परमेश्वर का अनुग्रह। हमारा बेटी सिर में कपड़ा डाल के जय मसीह की बोलते हैं, ताली बजाते हैं, गीत गाते हैं, गवाही देते हैं। आपका पता है रीनू क्या था, लेकिन आज प्रभु का हजूर में देखो कैसे बैठा है, उसको बोलते हैं परमेश्वर का। हमारे यफसीबा, हमारा सलोमी, कितने लोग हैं, कितना लोग हैं हो। हालेलुया, किसी पास्टर का सामर्थ्य नहीं, कोई पैसा का कमाल नहीं है, सिर्फ सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह असंभव को संभव करने वाला सामर्थ्य है, शक्ति है। हमारे चर्च में ऐसे बहुत लोग हैं। हमारा माइकल आज पास्टर है, आपको मालूम है, आज इधर नहीं है, खुदा उसको जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं, पागल लोगों के लिए, दुष्ट आत्मा वालों के लिए खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है। एक क्लास भी नहीं पढ़ा और उसका ऊपर भी दुष्ट आत्मा था, नमा पड़े चर्च में उसको पकड़ कर लेके आया बहुत साल पहले। आज प्रभु का एक महान दास है। हालेलुया, क्या है, क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह है। देशा को पूछो वो कैसे विश्वास में आया, परमेश्वर का अनुग्रह है। तो ये केक अपना जीवन का पीछे जाकर देखो, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए जो हमको लगते हैं हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। सकले नबी के किताब में आयत है, पहाड़ आगे जा नहीं सकता, बहुत बड़े बड़े पहाड़। पढ़ो थोड़ा सा, अगर निकला तो चार का साल, बड़े पहाड़, ये बड़े पहाड़, तू क्या है, तू कौन है, तू क्या है, जरुबाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हाँ, तू मैदान हो जाएगा आगे, और मैं चोटी का पत्थर, हाँ, ये पुकारते हुए आएगा, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। क्या समझा आपने, क्या समझा, बड़े पहाड़, समस्या का पहाड़ हमको डराते हैं, ये नहीं हट सकता। शायद मैंने आपको पहले भी बोला होगा, एक माता जी बाइबल पढ़ रहा था, उसने कहा तो देखा ससुर का दाना जैसे विश्वास है, तो पहाड़ को बोलो पहाड़ क्या हो जाएगा। तो माता जी के घर के सामने बहुत बड़ा पहाड़ था, वो रोजा लेकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। 3 दिन रोजा लिया और तीसरा दिन बाहर आकर देखा वो पहाड़ वैसे ही बैठा है। ये माता जी पता क्या बोला, मुझे तो पगले ही पता था तो जाने वाला नहीं। उसका मतलब अगर आप अंधविश्वास या गलत विश्वास, आप विश्वास के साथ जो मर्जी आप प्रार्थना करें कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये वचन आपके अंदर जाकर आपका सोच को बदलना है, आपका ब्रेन को बदलना है, आपका विचारों को बदलना है। आप परमेश्वर का ऊपर जब विश्वास करेंगे तब उस विश्वास के साथ असंभव बात संभव बन जाएगा। उधर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आए हमको शायद हमको
इस आयत के ऊपर कितना गीत भी है ना, कितना गीत है। जिसके अंदर विश्वास है वह पूछा गया हे पहाड़ तू फटाफट थोड़ा हे बड़े पहाड़ इसका मतलब जब पहाड़ समान प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा हो जाएगा आपने क्या बोलना, क्या बोलना है, कौन है तू, समझा नहीं है, कौन है तू। फैमिली प्रॉब्लम आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, फिजिकल प्रॉब्लम आ जाए, पड़ोसी आपको तंग करे, अंदर अंदर इस अनुग्रही के ऊपर विश्वास करके वो प्रॉब्लम को चैलेंज करना, ये समस्या तो कौन है। आपका मन में इस बिल्डिंग के अंदर हम बैठकर आराधना कर रहे हैं। मैंने एक बार बाहर किया, खुदा ने जो मेरे हाथ में पैसा दिया हमने जगा लिया, वो भी आधा पहले लिया आधा बाद में लिया। देशों के बारे पता है, हम स्कूल में आराधना करते थे, जब जगा लिया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। कुछ कारण से 99% जो हेल्प हमको मिलते थे बंद हो गए। मैं रात जैसे कुत्ता रोते वैसे रोते थे, मेरे वाइफ आकर मुझे बोलते थे अब मत रो इसे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होने। फिर मैं इसी सड़क में चलते उड़ते रोते थे। फिर परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया, वो दर्शन मेरे विश्वास को बढ़ा दिया। पता नहीं आप लोग कितना याद है, देश पक्का है। मैंने बोला स्कूल में जलंधर पब्लिक स्कूल में आराधना करते थे, उसके बाद इसी ग्राउंड में आकर हम हाथ जोड़कर कैसे हाथ पकड़कर हम प्रार्थना करते थे। मदद तो बंद हो गया, सब कुछ ही पॉसिबल, क्या करेंगे। मैं आपको बताऊं, एक नेपाली सिस्टर मैंने कभी नहीं देखा। एक दिन फोन आकर बोला पास्टर साहब मैं आपको मिलना चाहते हैं। मैंने बोला वो आया इधर ही लिली होटल इधर सामने। उन्होंने मुझे बोला मेरे लिए कुछ नहीं बताना, मैं आपको मिलना चाहते आइए। तब इधर ही जमीन है, लम्बा पट में आया मिलने के लिए। बात किया, मेरे मिशन पूछा क्या चाहते। एक नेपाली छोटी सी सिस्टर, आपको मालूम है ये पूरा बिल्डिंग उनके द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है। कम से कम 60 लाख रुपया इस जमीन में खर्चा हुआ है। कब हुआ? सारे रास्ता बंद हुआ। कब हुआ? जब मैंने रोया था। कब हुआ? सारे दुनिया में खिलाफ हो गया था। कब हुआ? परमेश्वर का धन्यवाद करे, हालेलुया। उसको बोलते हैं अनुग्रह। उस सिस्टर को मैं नहीं जानते हैं, उस सिस्टर को मैंने कभी नहीं देखा, उसको बोलते हैं परमेश्वर के अनुग्रह। ऐसे गुरु मिले, हम उसके अंदर बैठा हुआ है। मैं जब भी इस ग्राउंड में चलते फिरते प्रभु तेरा अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रभु तेने मेरे ऊपर दया किया, धन्यवाद। प्रभु मुझे आपने मुझे शर्मिंदा होने नहीं दिया, धन्यवाद। क्या मैं बोल रहा हूं, अनुग्रह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य। बहुत वहां खड़ा होकर बोलने के लिए मेरे दिल कर दे, क्या लिखा है दीदी, तुम्हें अनुग्रह हो रहा शांति मिलते रहे। अनुग्रह के साथ परमेश्वर देने वाला और एक गिफ्ट है, शांति। शांति के मतलब यह नहीं है कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। शांति के मतलब यह नहीं है कभी समस्या नहीं आएगा, वो अर्थ नहीं है। हमारा परमेश्वर का नाम एक शांति के राजकुमार है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला था शांति के बारे में,
वो शांति दादा परमेश्वर है जो संसार से हमको शांति मिलता है उससे बिल्कुल फर्क है। यीशु मसीह ने बोला जैसे संसार देता वैसे नहीं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। आपने घर में जाकर सारे पत्रियां पढ़ना है, रोमियों का पत्री, कुरिंथियों का पत्री, दूसरा कुरिंथियों का पत्री, सारे जाकर पढ़कर देखना आखिर क्या लिखा है। परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो। मैं शांति के बारे में इसलिए एक्सप्लेन करना नहीं चाहते क्योंकि दो हफ्ते पहले हम शांति के ऊपर स्पेशल मैसेज सुन चुका है। हालेलुया। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। हेलो, ये अनुग्रह के अंदर शक्ति है, ये अनुग्रह के अंदर मसा है, इस अनुग्रह के अंदर सामर्थ्य है, ये अनुग्रह के अंदर मिरेकल है, इस अनुग्रह के अंदर मौजा है, इस अनुग्रह के अंदर बहुत बड़ा बड़ा चीज है। वो परमेश्वर हमारे लिए फ्री दिया हुआ। हालेलुया। आपका जीवन में जो समस्या लंबा समय से पहाड़ जैसे खड़ा है